सुलह कर ली है मैंने कि आया करो अब। नींदों से सुलह कर ली है मैंने कि आया करो अब, कि जिसके लिए जगना था वो अब जगता नहीं है। वाह वाह। So let me introduce myself. My name is Keyur Joshi and I write by the name Cipher. So ये आज जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ये मेरा जॉनर नहीं है, मैं इसमें परफॉर्म नहीं करता। मैं जनरली गजल पढ़ता हूँ, तो आज कुछ नया ट्राई किया है। ये बेसिकली एक स्टोरी है, सो यू कैन कॉल इट अ स्पोकन वर्ड पोएट्री एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम परफॉर्मिंग स्पोकन वर्ड पोएट्री। सो ये स्टोरी शायद आप सब रिलेट कर पाओगे अपने अपने तरीकों से, ठीक है? तो अगर कर पाए तो इसको अपना एक टाइटल दे देना। मेरी इस नज्म का नाम है खुद से मुलाकात। कल नींद कुछ देर से खुली, वो चिड़िया जो रोज मेरी खिड़की पर दस्तक देकर मुझे जगाती थी, न जाने क्यों अपनी रिवायत छोड़ आज आई ही नहीं। बारिश की बूंदों को उस खिड़की की कांच पर मैं टकराता सुन अपने पांव जमीन पर पड़े ही थे कि उसे काले बादल को मेरे घर की तरफ बढ़ता देखा। वो दिन कुछ अलग था, जैसे समय कठिन रहा हो। मेरी माँ को आदत है सुबह रेडियो सुनने की, रोज की तरह कल भी गाने चल रहे थे कि तभी एक गाना शुरू हुआ। वो गाना जो वैसे तो दिल के बहुत करीब था, पर न जाने क्यों मुझे उसके लफ्ज आता आज मेरे पीते कल की तरफ ले जा रहे। तेरी नजरों में तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बात दिल की होती रखती धोखेबाजी। गाना सुना होगा आपने। वो बीता कल, वो हारा इश्क, वो इश्क हारा था या उसे फरामोश कर दिया? अगर हारा था तो जीता कौन, और अगर भुला दिया तो क्या इश्क का कोई वजूद भी था? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। क्या याद होगा उसे वो रोज जब मैं साइकिल से गिर पड़ा था? जो जख्म हुआ बड़ा आम था, उस पर तवज्जो देने का ना कोई काम था। तब जो पैर मेरी जानिब दौड़कर आए थे वो उसी के थे। मेरी कोहनी पर हुए उस जख्म का एहसास उसी ने करवाया था। उन आंखों से छलकने वाले जाम भी उसी के थे और उस छोटी सी खरोंच पर बंधा रुमाल भी उसी का था। तो क्या वो प्यार सच था? अगर था तो मेरे जख्म आज क्यों खुले हैं? अगर नहीं था तो वो आंसू क्यों बह गए? क्या सच है क्या झूठ है, ना उसे खबर है ना मुझे पता है। इस दिलो दिमाग की जंग में कौन नहीं रोते कुछ सवालों के जवाब नहीं। मैं अक्सर अपना इश्क उसे जताया करता था जिसका जवाब वो बस अपनी पल के झुकाए हल्की सी मुस्कान बहने दे दिया करती थी, मगर वो रोज कुछ अलग था। आखिरी मुलाकात की मुझे कोई खबर नहीं थी, उसने बस कह दिया कि सुनो अब कोई इश्क नहीं तुमसे, बस अब बहुत हुआ अलग हो रही हूँ सबसे। मेरी जमीन मानो दस्ती चली गई, मेरी सांसें मानो एकदम से थम गई। भुला देना मुझे उसका बस इतना कहना था, यादों को याद कर अब मुझे जीना था। वो यादें जो रुलाती हैं उन्हें याद करना गलत है क्या? आखिर यादें तो यादें होती है, उन्हें याद करना अगर गलत है तो उसे हंसता हुआ याद करके खुद को बेबस करना सही है क्या? और उन शीरीन लम्हों से इख्तिलात रखना गलत है तो उसे यूं नजरों से उजल होते देखना सही है क्या? खुद पर इल्जाम लगाना सही है क्या? मुझे बताओ इश्क करना गलत है क्या? इस सही और गलत के बीच होता क्या है? ये सही और गलत आखिर होता क्या है? खैर अब रातों को जगना बादस्तूर है, अपने इश्क पर अब ना कोई गुरू है। आंख लग गई मेरी ये सोचते सोचते कि कुछ सवालों के जवाब आखिर क्यों नहीं होते। उस रात एक शख्स आया था मेरे ख्वाबों में, कमीज थी कुछ मुझसी, चश्मा उसने पहना गोल था, हाँ शायद वो मैं ही था। उस मैंने कुछ कहा मुझसे, सोचो क्या खो रहे हो खुद से। सवाल तुम्हारे जायज है, पढ़े तुम्हारे पास भी कुछ कागज है, खुशनसीब हो तो जवाब मिलते हैं, वरना कुछ राज तो राजी अच्छे हैं। ये रोज लड़कर खुद से शायद जवाब ढूंढ भी लो तुम, मगर खोकर अब खुद को बताओ कि उसे फिर पाओगे। आज नींद कुछ जल्दी खुली। वो चिड़िया आज उकल गई चली गई थी, आज फिर मेरी खिड़की पर लौट आई है। बारिश की बूंदें आज भी उस खिड़की पर टकरा रही है, पर मेरे सवालों के बादल अब नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, शायद मुझे मेरे जवाब मिल गए। शायद आज मुलाकात खुद से हो गई। एक सुकून मिला जब आज रेडियो कह गया कि तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है। बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द।